अरे ये तो 101 दिखा रहा है। सो हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे विशेस भेजे थे, कमेंट्स मैंने अभी पढ़े हैं। फाइनली अब पहले से मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सभी को, और सबसे ज्यादा घर वालों को कि उन्होंने बहुत ज्यादा केयर की। और गाइस पता नहीं क्या था यार, बॉडी पेन, इतना कुछ हर चीज एक साथ हो रखी थी मेरे को। मतलब सर तो भाई ये इस साइड का पूरा पेन कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। वो सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से है, आप लोगों का प्यार है। और गाइज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोकर उठा था, एंड आप लोगों को एक चीज सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि गाइज घर में सबको बोलो थोड़ा सेफ रहे, कि इस टाइम वायरल चल रहा है, किसी से आप मिलने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आए, हाथ धोएं अच्छे से, पैर हाथ पूरा वॉश करें, फिर उसके बाद कुछ करें, खाए पिए, कि वायरल है बहुत जल्दी हो जाता है, आप लोगों को पता है। मुझे भी वायरल हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। पता नहीं अब जो भी है, जैसा भी है, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं पहले से बेटर हूँ। सो गाइज अभी का सीन यही है, होकर उठाऊँ, जो भी रहता है मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा, बाकी चलने मिलते हैं आपको आगे। सो गाइज अभी का सीन ये है कि मम्मी यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही है, कि मैं जल्दी उठ गया था, मैं परेशान कर रहा हूँ। पापा यहाँ पे नाश्ता चल रहा है और पानी मेरा गर्म हो चुका है, ठीक है भाई मैं नहाने जाऊँगा। बस किंजल नहीं दिख रही है अंदर, क्यों भाई अभी तक कैसे सो रही है आज? भैया भैया, ओ भैया, ओ भैया उठ जाओ भैया, क्या हो गया भैया आपको? किंजल उठ जा, क्या हो गया, उठना मम्मी। हाँ। इसको देखना एक बार, थर्मामीटर लाना, इसको फीवर है का चेक करना जरा, पता नहीं गर्म तो लग रही है बॉडी। थर्मामीटर कहाँ रखा? पता नहीं बॉडी गर्म है, इसको कब हो गया, कल तक तो ठीक थी। अरे तो वायरल फीवर किसी को भी हो सकता है, तो मैंने तभी तो बोला था कि मत छुओ मेरे को, दूर रहो मेरे से। अब इसको क्या हो गया? ओए इधर चेक करेगी जरा, पता नहीं अभी तो लगाया है। टाइम नोट करते हैं हम, एक मिनट। सो गाइस चलो मैं थोड़ा चेक कर लूँ इसका फीवर है क्या, है क्या नहीं, मैं आपको फिर मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली टाइम हो गया, किंजल निकालियो, निकाल के दिखाइयो, दिए जरा मम्मी, जरा देखना जरा कितना आ रहा है। एक कलम सम है। एक क्या? 101। हाँ दिखाओ, फीवर है। हाँ चलो उसको एथी करो, 101 की तरफ दवाई दो। अबे तू क्या हो गया, तुमसे क्या हो गया? देखो कल भी बोला था मत आइयो पास में। अरे पास में आने से आदमी छोड़ देगा, तबीयत खराब। अरे नहीं मम्मी गलत बात है, फिर भी जब अब इसको बाहर लेना, अब कोई भी अभी पास वास में मत आना, नहीं उस छोड़ दिया जाएगा। अरे छोड़ने की बात नहीं है, मतलब दवाई दो काम पे। इससे का मतलब है घर में तबीयत खराब, इसकी दवाई दवाई लेके आता हूँ मैं, जो मैंने दवाई खाई वही दे दो ना, डोलो डोलो दे दो, बिस्कुट उस्कुट खा ले और नाश्ता कर ले, चल उठ जा। तो गाइस पता नहीं अब इसको फीवर हो गया है, मतलब मेरे से हटके इसको चला गया है, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। कल रात तक तो ये बिल्कुल सही थी और एकदम से अब इसको हो गया है। सो क्या करूं मुझे नहीं पता, लेकिन है वायरल है यार। मैंने आपको अब सुबह में ही बोल ही रहा था कि सब सेफ रहो, घर पे ध्यान रख के रहो, और वही चीज गया इसके साथ। तो अब थोड़ा सा इसको नाश्ता वास्ता कराता हूं और फिर मैं आपसे मिलता हूं, ठीक है? मैं अभी नहाने ही जा रहा था। तो गाइस मैं फाइनली नहाकर आ चुका हूँ, नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील होता है, बाल बड़े हो गए लेकिन मुझे कटवाने नहीं है, मैं बड़े कर रहा था बाल, लेकिन अब सोच रहा हूँ कटवा ही लूँ। रास्ता तो हो गया होगा किंजल का, आई थिंक। क्या हुआ मम्मी? किंजल उठ जा, तेरी नाश्ता लिया है हम लोग, दे बिस्कुट खा के दवा, पानी पी के दवाई खा, लो ना खाएगी दवाई, फिर कैसे होगा? दो खाऊंगी बस, ज्यादा तो खाना पड़ेगा आपको किंजल, बिकॉज फीवर में यही होता है जब मन नहीं करता कुछ भी खाने पीने का, खा दे पूरे। वैसे हो क्या रहा है बता दो सही। सर में बहुत दर्द हो रहा है, पूरा सर बहुत पेन कर रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है। तो ये यानी कि वायरल ही है। मम्मी इसको दवाई दे देना, वो ये खा रही है अभी, थोड़े और बिस्किट खा लेना। कहाँ दी, थोड़ा थोड़ा खा रही है, खा लो ना, खाएगी तभी तो दवाई खाएगी। तेरे को दूध इसलिए नहीं दिया है, ये मत सोचो कि हम पे दूध नहीं है, बहुत दूध है हम पे। हाँ तो दूध हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि दूध पसंद की बात नहीं है, मैं उसमें खाना नहीं चाहिए। सो गाइज अगर घर में आप लोगों को कभी बाय चांस, मतलब मेरी तरफ से अगर बाय चांस किसी को हो रहा है,
तो सबसे इजी मैं बताता हूँ कौन सा टैबलेट खिलाए, डोलो 650 mg सबसे बेस्ट है। तो मतलब भगवान करे किसी का भी कुछ हो ना, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। बाकी ये जल्दी से अब खा ले, उसके बाद मैं उसको देता हूँ ये डोलो, तो उसके बाद ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं अभी मैं चलता हूँ पूजा करने के लिए, जल्दी खा ले और ये खा ले, ये रहे। चलो गाइस जो भी रहेगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ पूजा करने, ठीक है। सो गाइस अभी मैं जस्ट चौकर उठाऊँ तो पता नहीं पापा ने उठा दिया, अभी बोल रहे इस रूम में आने के लिए। क्या हो गया क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया? अरे इसको बुखार बहुत तेज चढ़ गया। क्या हो रहा है? पता नहीं, अभी सो के देख रहे हैं तो माने एकदम बुखार उखार एकदम लग रहा है, बहुत चढ़ गया हुआ है। क्या हो रहा है मम्मी? अरे पानी के बुखार ज्यादा चढ़ गया हुआ है, डॉक्टर के पास ले जाइए ना आप लोग भी। तो पानी का पट्टी देते हैं, बुखार थोड़ा सा उतर जाए। बोल रहे हैं तो बोलना रही नहीं, थोड़ा सा बुखार उतर जाए जाने लायक हो तो। बोलती हूँ क्यों नहीं है किंजल यार, पागल है क्या? जब तबीयत खराब हो रही है तेरी तो वायरल फीवर होता है, एक तुरंत डॉक्टर डॉक्टर से मेडिसिन दे देगा और एक बार कमजोरी पकड़ लेगा। देखते हैं डॉक्टर डॉक्टर एकदम पैर सभी। मैं उनको कॉल करता हूँ डॉक्टर को भी देखो। सो गाइज अभी डॉक्टर से बात हुई थी, पापा ने बहुत बात कर ली डॉक्टर से। और गाइज मैं सच में यार आप लोगों को बोलूँ तो प्लीज़ घर पे सेफ रहो, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी के टाइम में। और गाइज अभी डॉक्टर ने ये बोला कि कल सुबह की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, और उन्होंने एक दवाई बताई है, वो दवाई हमने लिख ली है और वो दवाई लेने जा रहा हूँ मैं अभी। तो वो दवाई खिलाने के लिए बोला और पट्टी करते हुए रहने को बोल रहा है क्योंकि फीवर सर पर ना चढ़ जाए जिस वजह से। तो अभी वही है कि पट्टी वगैरह चल रही है, ठीक है। बाकी गाइज यही है कि जो भी रहेगा मैं आपको खुद ही अपडेट दूंगा। और गाइज यार अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि किंजल ठीक हो जाए उसके बाद ही कुछ होगा यार, ठीक है।